मैं हूं अश्विन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज। एशले बार्टी हुई 25 की उम्र में रिटायर। 25 साल की वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने ऐलान कर दिया अपना रिटायरमेंट टेनिस से। ये न्यूज उनके फैंस के लिए और बाकी सबके लिए भी काफी शॉकिंग था। बार्टी का कहना है कि वो अब तैयार है नए सपनों को पाने के लिए और इसीलिए छोड़ रही है टेनिस। बार्टी ने ये नंबर वन स्पॉट 114 कंसेक्यूटिव वीक्स से होल्ड करके रखा था और वेनेसडे को किए अनाउंसमेंट ने इसी वजह से सबको चौंकाया। बार्टी 3-time मेजर चैंपियन रह चुकी है और बन चुकी है पहली ऑसी प्लेयर स्पोर्ट से रिटायर होने वाली टॉप में रहते हुए। 2008 में जस्टिन हेनिन से। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने भी एशले को बधाई देते हुए थैंक यू कहा इस देश के यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए। कमिंस और स्टार्क के वजह से हुआ पाकिस्तान कोलैप्स। 21 मार्च को शुरू हुआ तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान का। पहले दो मैच के ड्रॉ होने के बाद दोनों टीम्स की नजर ये आखिरी टेस्ट मैच और उसी के साथ साथ ये सीरीज जीतने पे थी, लेकिन थर्ड डे के एंड में कमिंस के 5 विकेट हॉल और स्टार्क के 4 विकेट के चलते पाकिस्तान 248 पे 3 से 268 पे ऑल आउट हो गई कुछ ही मिनटों में और ऑस्ट्रेलिया आ गई फिर से क्रीज पे। वेनेसडे को फोर्थ डे पे ऑस्ट्रेलिया ने 227 पे 3 विकेट खोके किया डिक्लेयर और पाकिस्तान को 351 का टारगेट चेस करने दिया। फोर्थ डे के एंड पे पाकिस्तान 73 पे बिना नुकसान है और उन्हें चाहिए 278 जीत के लिए आखिरी दिन पे। होम एडवांटेज जैसा कुछ नहीं मिलेगा मुंबई इंडियंस को। इस साल के आईपीएल के मोस्ट ऑफ मैचेस मुंबई में खेले जाएंगे और बाकी के कुछ पुणे में। इस डिसीजन के बाद से लोगों को मुंबई इंडियंस को मिलने वाले होम एडवांटेज को लेके चिंता थी, जो नकार दिया है उनके कप्तान रोहित ने। रोहित ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि इस साल की मुंबई रिलेटिवली नई टीम है। 2 साल के बाद टीम मुंबई में खेलने जा रही है। उनका कहना था कि इस टीम में कई नए खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने आज तक कभी मुंबई में नहीं खेला होगा और ये उनका पहला मैच होने वाला है मुंबई में। एंड्रयू टाई कर रहे हैं रिप्लेस इंजर्ड मार्क वुड को। कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाला है टाटा आईपीएल और टीम्स ने शुरू कर दिया है ट्रेनिंग। लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्क वुड के इंजरी के चलते एंड्रयू टाई अब खेलेंगे उनके जगह उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे 2022 आईपीएल सीजन में। वेनेसडे को ये खबर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बताया अपने फैंस को। जडेजा बनेंगे सीएसके के नए कप्तान। थर्सडे शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने धोनी और सीएसके के फैंस को काफी दुखी और खुशी दे दी। धोनी ने थर्सडे शाम को ये अनाउंस कर दिया कि वो सीएसके को 2022 आईपीएल सीजन में नहीं करेंगे लीड और दे रहे हैं ये जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को। इस खबर के बाहर आने के बाद मानो फैंस आतंक मच गया। धोनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं अब सिर्फ
आईपीएल में दिखते हैं फैंस को, और रिसेंटली उनकी आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लेने के चांसेस को लेके काफ़ी चर्चा भी हुई है। डेफिनेटली नॉट कह के धोनी ने कुछ सालों तक का आश्वासन दे दिया था अपने फैंस को, लेकिन इस खबर के बाद से फैंस को यही लग रहा है कि धोनी अब जब क्रिकेट से पूरा रिटायरमेंट लेने ही वाले हैं, और फैंस इसी वजह से इस साल काफ़ी निहारेंगे धोनी को उनके प्रोबेबल लास्ट आईपीएल सीजन में। थैंक यू।